हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सर्वर्स के बारे में। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कंप्यूटर के बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सर्वर्स के बारे में और कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं चीजों के बारे में कि सर्वर आखिर होता क्या है, सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, इन सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सर्वर होता क्या है इसको समझते हैं। कहता है इन कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम में, कहता है ये सर्वर इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सर्वर जो है ये क्या है, कंप्यूटर में या तो एक कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर प्रोग्राम कर लीजिए, सॉफ्टवेयर को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कहता है दैट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइसेस, जो कि प्रोवाइड करता है फंक्शंस को अदर प्रोग्राम्स या डिवाइसेस के लिए, और इस अदर डिवाइसेस की जो कहता है, अदर प्रोग्राम्स को जो प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं क्लाइंट्स। क्या कहते हैं, क्लाइंट्स। याद रखिएगा कि कंप्यूटर सर्वर एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि क्या करता है, बेसिकली बेसिक फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स को, तो उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। और दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो आर्किटेक्चर्स है इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटा सा डायग्राम मैंने लगाया है यहाँ पे, कि जैसे कि लैपटॉप सिस्टम है हम लोगों का, बस लैपटॉप सिस्टम है, यहाँ पर मोबाइल सिस्टम है, इसके बाद कंप्यूटर है यहाँ पे, तो ये सभी चीजें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, किससे, सर्वर से। आप लोग इन जनरल आमतौर पर सर्वर के बारे में सुनते होंगे, जब रेलवे का टिकट लेते होंगे नहीं मिलता होगा तो कहते होंगे सर्वर डाउन है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशंस का रिजल्ट वगैरह सब चेक करते होंगे तो सुनने में आता होगा कि अभी सर्वर बहुत बिजी चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। किसी भी एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करते होंगे ऑनलाइन तो वहां पर आपने इशू सुना होगा कि सर्वर डाउन है, इस वजह से फॉर्म अभी क्विकली फिलअप अच्छे से इजी वे में स्मूथली नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर सर्वर क्या है, एक फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है किसी भी अलग अदर डिवाइसेस और बेसिकली कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, राइट। चलिए अब हम लोग आगे ये सर्वर काम कैसे करता है इसके ऊपर ध्यान देकर के समझते हैं। ऑपरेशंस क्या है हमारे सर्वर्स का, कहते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर मैं सही में वास्तविकता में बताऊं आपको सीरियसली, तो द टर्म सर्वर रेफर्स टू ए कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोसेसर रनिंग प्रोग्राम। मतलब सर्वर जो है स्ट्रिक्टली अगर डिफाइन किया जाए, सर्वर है क्या आखिर, तो सर्वर को कह सकते हैं आप लोग कि ये जो है ना कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो प्रोसेस कराता है, रनिंग करवाता है किसी भी प्रोग्राम को थ्रू मेटोनी माय। इट रेफर्स टू ए डिवाइस यूज्ड फॉर और ए डिवाइस डेडिकेटेड टू रनिंग वन और सेवरल सर्वर प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क सच एज डिवाइस इज कॉल्ड ए होस्ट। मतलब जो डिवाइस होता है मेन, जो सर्वर का जहां से सिग्नल्स रिलीज होते हैं, उस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। आमतौर पे यहाँ पर डायग्राम से आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक मेन डायग्राम है जिससे अलग अलग डिवाइस में क्या हो रहा है कि सर्वर जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है, ये जो है, इसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन एडिशन टू सर्वर, सर्वर में अगर बात करें तो जो वर्ड आता है सर्व एंड सर्विस एज वर्ब एंड नॉन रिस्पेक्टिव आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड थ्रू सर्विसेज एंड सर्वेंट आर नॉट। तो सर्विसेज के द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज करता है, नौ की सर्वेंट के द्वारा। यहाँ पर सर्वेंट का मतलब नौकर नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पर सर्वेंट का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली जो सर्वर प्रोवाइडर होता है वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर ऑपरेशंस कैसे समझ में आ गया, कि सर्वर जो प्रोवाइड करता है बेसिकली इंफॉर्मेशंस को, प्रोग्राम्स को, वो क्या होता है, एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क से उसे क्या कहते हैं, सर्वर्स कहते हैं।
व्हाट हैपेंड। चलिए अब है हाउ ए सर्वर वर्क्स, सर्वर काम कैसे करता है इसको समझते हैं। कहते हैं टू फंक्शन एज ए सर्वर, जो कोई भी चीज को फंक्शन करना एज ए सर्वर, जो है फंक्शन करना, ठीक है। ए डिवाइस मस्ट बी कॉन्फिगर टू लिसन टू रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट ऑन ए नेटवर्क, राइट। तो क्लाइंट ऑन ए नेटवर्क कनेक्शंस, दिस फंक्शनलिटी कैन एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज एन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस रोल और एक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। बेसिकली ये चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऑफ टू ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट सर्व्स इंफॉर्मेशंस टू अदर कंप्यूटर्स। सर्वर क्या है, कंप्यूटर है जो क्या करता है, सर्व करता है इंफॉर्मेशन को, अदर सिस्टम्स को भी प्रोवाइड करता है।